तो काफ़ी, जब सुबह उठते हैं तो नॉर्मली जो रूटीन होती है नमाज पे जाए, उधर से फिर आए तो पहले ये था कि ईदी के लिए जाए, अंकल के घर जाए, अब्बू से मांगे, अम्मी से मांगे, ईदी दो, फिर उसके बाद रूटीन स्टार्ट हो जाती थी। फिर तो जाहिर सी बात है, बड़ी ईद में तो अब तिक्के शिक्के ही खाते हैं, जाहिर सी बात। शाहीन, दो तरह के मर्द होते हैं, एक जिसको मंडी जाने का शौक होता है और एक जिसको नहीं होता, तो आप कौन मुझे से बहुत वाले? शौक है कि बहुत मंडी शौक है। जाओ, खुद मैं ही लो। तो वो मंडी में क्या सबसे पहले गाय की तरफ निकलते हैं, बकरे की तरफ जाना होता था, पख्तूनों में दुम्बो का बड़ा सिलसिला है, तो कहाँ? दुम्बो का ज्यादा होता है। दुम्बे चेक करो, उसके ना ऊपर हाथ रखो, उस अच्छा, पे हड्डियों पे हड्डी थोड़ी हार्ड है, मतलब बड़ी है कि नहीं, ये तो इसका यूं वजन मेरे ख्याल सही से होगा। दबा के यूं देखते हैं ना कि वो हाँ, गिरे ना काफी नीचे। होते हैं कि उसको हाँ उठाते हैं, उससे उसको कहते हैं हो ये अच्छा ये है, ठीक है, तो वैसे शौक होता है इसका कि गोश्त मतलब। मजे का होगा। ठीक हाँ है, सही है। मगर जब आपने कहा कि आपको शौक है मंडी जाने का, तो अब कितना मुश्किल हो जाता होगा? मतलब अब अगर आप किसी ईद पे घर हो भी तो मंडी जा सकते हैं? मतलब मेरा ख्याल से सारा रश जो है वो तो आपकी तरफ आ जाएगा, दुम्बे, गायें, बकरियां तो सब भूल जाएंगे। अभी तो काफी टाइम हो गया, 5-6 ईद हो गए कि घर में नहीं गुजारी, अभी फिर ये टूर। सही, तो मिस करते हैं उस ईद को, बचपने की, वही दोस्तों यारों के साथ। जानवर घुमाते थे अपना, ये बताएं? नहीं ये नहीं, जानवर घर में ही, बस गड़बड़ा है तो घर में उसको इधर उधर कर ले। जाहिर सी बात है मिस तो करते हैं फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना, अभी काफ़ी मिस करते हैं क्योंकि वो पुराने याद ही टाइम याद आ जाता है, सुबह उठ के अम्मी वगैरह से मिल के, फैमिली से मिल के, सही, तो नमाज मिस पढ़ने करते के हैं, बट लिए। जो ये प्रायोरिटी है फर्स्ट है। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल है। अच्छा, जानवर जब ऑब्वियसली कुर्बान हो जाता है तो उसके बाद बनते हैं मजेदार खाने। गोश्त खाने के शौकीन है या सब्जी या लोबिया? नहीं, बिल्कुल सब्जी तो बिल्कुल ही नहीं, अच्छा, अगर नहीं। अगर ईद हो तो फिर दुम्बे शुम्बे ही मज़ा करते हैं, और अब खुद बनाते हैं, अब खुद बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं, तो अबू के हाथ का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। सही। शाहीन, जरा अपने घर के बारे में भी हमें बताइए। आपने कहा आपका घर बहुत बड़ा है, तो माशाल्लाह उसमें मकीन भी बहुत ज्यादा, रहने वाले बहुत ज्यादा होंगे, तो जरा बताएं भाई बहन कितने घर में, कितने लोग हैं? माशाल्लाह 7 भाई हैं हम, माशाल्लाह। और मैं सबसे छोटा हूँ घर में, अम्मी अबू हैं, दादी है, और 5 बाबियाँ हैं, और उनके बच्चे हैं ओए ओए, यानी बहुत सारे बच्चों के चाचू हैं आप, तो जब भी फेवरेट चाचू हैं बच्चों के? फेवरेट एक और है मुझसे बड़ा है शान, तो एक दो उनके साथ है, बाकी सारे मेरे साथ है। जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ वीडियो कॉल, तो कहते हैं चाचू कब आओगे, मैंने कहा बस ये अभी आया, अभी आया। गपशप वगैरह छोटे छोटे, उनको तो इतना नहीं पता किधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो शाहीन भाई की सबसे ज्यादा लड़ाई कौन से भाई से होती है? मेरी लड़ाई नहीं होती भाई से, किसी भाई से लड़ाई नहीं होती? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं घर में छोटा हूँ, अब वो सबको टाइट कर देंगे। अच्छा, तो यानी इनके घर के में ये सात अबू के भाई फेवरेट हैं इसका मतलब? माशाल्लाह, इनके ये सात भाइयों को सुन के मुझे वो फिल्म सत्ते पे सत्ता याद आ गई। अच्छा, मैंने देखी नहीं आपने? नहीं मैंने। अच्छा, देखिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। वो भी सात भाइयों की कहानी है, वो तभी उसका नाम भी यही है। अच्छा अच्छा वो बड़ा बड़ा उन्होंने धमा चौकड़ी मचा ना, शोर मचाया हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शरीफ से भाई हैं। बिल्कुल शरारती थे बचपन में, तंग करते थे? नहीं इतना नहीं, बचपन इतना नहीं याद, बट हाँ ठीक था, ठीक थे ज्यादा नहीं। मैं घर का सबसे छोटा और वो शरारती ना, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना भी नहीं जितना वो अभी आजकल के माशाल्लाह बच्चे, वो काफी आजकल बच्चे ज्यादा आजकल तेज हो गए। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो जब घर में सबसे छोटे हैं, क्रिकेट आ गई भी आना तो पड़ेगी, ऐसा कैसे आप हो सकता कहें? हम और बातें कर सकते हैं, हम उनकी पर्सनल अगर ये बात करना चाहें। नहीं नहीं क्रिकेट पे ही तो, नहीं नहीं पब्लिक बहुत जानना चाहती है, शाहीन शाह अफरीदी के सहरे के पूर कब कब खेल रहे हैं, कब शादी हो रही है, वैसे क्या सिलसिला है इस बारे में? इंशाल्लाह जल्दी, जब सही वक्त आएगा तो इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, चलें फिर थोड़ी सी और क्रिकेट की बात रोकते हैं। लाला से कैसा रिलेशनशिप है? लाला से अच्छे है, फ्रेंडली है, और मेरे लिए तो हीरो हैं, उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, उनको मेरे बड़े भाई को, दोनों को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, तो मेरे लिए हीरो है, फ्रेंडली रहते हैं। लाला से डांट पड़ती है? अभी तक तो नहीं पड़ी, अभी तक नहीं पड़ी। लाला एक बार हमारे शो में बहुत गुस्से में आ गए थे, लाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल T20, अच्छा जब वो शॉट्स पड़े थे। हाँ नहीं, वो अच्छा कह रहे हैं यार अगर कैच छूट गया तो इसमें शाहीन का क्यों कुछ, वो परेशान हो गया और वो चेहरा उतर गया उसका, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता, कैच तो छूटते हैं। लाला को मैंने पहली बार शो में गुस्से में देखा। नहीं बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वैसे उस मैच की, तो बहुत हो जाती है, बट लाला ने कहा है तो सही है। वाह क्या बात है, बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप।
बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा शाहीन, कब सोचा शाहीन ने कि शाहीन क्रिकेटर बनेगा? बिकॉज दो बड़े भाई तो आपके क्रिकेट में थे, मगर हम माशाल्लाह बात है कि हम सारे क्रिकेट खेलते हैं, सब खेलते हैं क्रिकेट, तो सबने ट्राई किया पाकिस्तान से। दूसरे भाई ने भी ग्रेड टू तक खेला है, आकाश भाई अभी भी स्टिल मलेशिया में खेलने गए हैं, तो वो बांग्लादेश लीग में भी गए हैं जो उनकी डोमेस्टिक होती है, दुबई वगैरह में भी खेलने गए हैं, तो अभी भी दो भाई स्टिल खेल रहे हैं। रियाज भाई तो अभी कोचिंग में आ गए KBK में, तो कोचिंग कर रहे हैं। सो शौक रियाज भाई को देख के ही हुआ, उनके साथ नेट्स वगैरह पे जाके और उनको देख के, जो एक्स क्रिकेटर है सारे आके पिशावर में, उनको देख के पहले तो खैर मैं वटा करता था, आगे सिर्फ यू पहनता था और मुझे पता नहीं था कि क्या करता हूँ, तो अभी रियाज भाई ने सिखाया, फिर स्कूल क्रिकेट काफ़ी खेली, उसके बाद ही एकदम मेरे भाई है पांचवें भाई संदल अफरीदी, तो उन्होंने कहा कि यार ट्रायल पे जाना है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ट्रायल पे मैं क्या करूँगा, तो उन्होंने कहा ट्रायल पे चलो, मैंने कहा मुझे कौन सेलेक्ट करेगा, इतने लोग आते हैं मैं कैसे जाऊँगा, और ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ मैंने सिर्फ दो बॉल किए उस ट्रायल में, हमारे कोच थे सर साकिब फकीर, अभी KPK में भी अंडर 19 में, तो उन्होंने मुझे दो बॉलों पे सिलेक्ट कर दिया, मैंने सिर्फ दो बॉल किया था। अच्छा मैंने शाहीन, क्योंकि आपने बताया कि आप लोग सात भाई अच्छा, हैं। एक सेकंड उससे पहले जी, जी, जी। शाहीन आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी और सवेरा हमारा जूस गर्म हो जाएगा, बिल्कुल तो साथ साथ आप साथ साथ हम ये भी करते रहते हैं, ईद का जरा बहुत अच्छी बात जरूरी है, ईद के साथ साथ जो है ना ये इसका वो हो जाए शशका होता रहे ईद का। तो खैर जब आपने बताया कि पांच भाई सात भाई हैं, तो मुझे याद आया कि हम राशिद खान से बात कर रहे थे, तो राशिद खान ने कहा कि मैं बनना बैटर चाहता था, बट क्योंकि छोटा था घर में तो बड़े भाई बैटिंग करते रहते थे और मुझसे बॉलिंग कराते रहते थे, इवेंचुअली इसलिए मैं बॉलर बन गया। आपकी भी वजह ये तो नहीं थी? नहीं नहीं, मुझे पहले से बॉलिंग का बहुत शौक था। अच्छा। और एक बात है कि स्कूल क्रिकेट में ना मुझे वो अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि हम दो भाई खेलते थे, तो उन्होंने कहा कि दो भाई खेलेंगे तो और लड़की कैसे खेलेंगे, तो मैं अपने भाई को बोलता था शान अफरीदी को कि भाई आपने फ्राइडे को नहीं जाना, क्योंकि फ्राइडे को हमारे स्कूल की क्रिकेट होती है, तो मैं उसको बोलता था रात को ही कह देता कल आपने नहीं जाना क्योंकि मैंने मैच खेलना है, वो बेचारे की क्रिकेट मैंने खराब कर दी। स्कूल का जिक्र किया, पढ़ाई का शौक था? नहीं बिल्कुल नहीं, एलर्जी है। अच्छा एलर्जी है, ओके ठीक है, बस खत्म, सवाल बिल्कुल कलम तोड़ दिया इन्होंने, बस खत्म, चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमेशा से फास्ट बॉलिंग था जहन में कि नहीं जी मैंने फास्ट बॉलिंग ही करानी है? इतना ऐसा जहन में तो नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी मैं इतनी सारी क्रिकेट खेल लूंगा, ये था बस क्रिकेटर बनूंगा जैसे मतलब नॉर्मल होते हैं, बट उसके बाद 16 के बाद ऐसे ही मतलब क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लाला को देख के अगर आप कहते हैं तो लाला देखिए लेग स्पिन हुए और बहुत ही अग्रेसिव बैटिंग करते थे, बैटिंग में बैटिंग आप उनके एक एक छक्के के लिए बैठता था कि कब मारेंगे कब मारेंगे, वो जब आउट भी होते थे 0 पे फिर भी मजा आता था, क्योंकि फिर सारे क्राउड भी चला जाता, हम भी टीवी घर में बंद कर देते थे, खत्म। लाला ने हमें बताया था ना पिशावर में जो पहला मैच लाला ने खेला था उसमें पहली बॉल पे आउट हुए थे लाला, वो पब्लिक ने वहां पता, फिर लोगों ने बोला था कि आ जाओ वापस, फिर से वापस, ये अभी रेडी नहीं था फिर से वापस, बिल्कुल। सो जब शुरुआत हुई ठीक है जी अंडर 19, बट 2018 में आपने खेला, 2019 के बाद शाहीन शाह अफरीदी तब्दील हो गया बिल्कुल, कितना फर्क आया 2019? हमारी एक सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ वर्ल्ड कप से पहले, हाँ। तो आई थिंक उसमें मैंने काफ़ी रन खाए थे, हर मैच में 70, 60, 80, एक में 80 खाया था, मेरे ख्याल से तीन वनडे खेले थे कि चार खेले थे, और मुझे अभी भी आते, मैंने फ़खर को बोला था, मैंने कहा फ़खर अब बहुत मुश्किल लग रहा है मैं वर्ल्ड कप खेलूँ, क्योंकि मेरी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, आउट किए थे बट परफॉर्मेंस नहीं थी वो ऐसे कि टीम एक्सपेक्ट करे और वर्ल्ड कप में जाए। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, उसमें भी गलत बॉलिंग की थी, विकेट काफ़ी अच्छी थी, पीछे पीछे बॉलिंग की थी, बट उसके बाद जब न्यूजीलैंड का मैच हुआ उसके बाद जो पुश मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद और मैंने शुरू की फिटनेस पे काम करना शुरू कर दिया, तो और शौक बहुत हुआ क्रिकेट।